हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप एकदम फिट, फाइन और बढ़िया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ लाइट, और ये है तुम्हारे सेवेंथ स्टैंडर्ड से 17th चैप्टर। इसके बाद 3 और चैप्टर बचते हैं, और 16 जो चैप्टर पहले के हैं वो सब ऊपर के आई बटन में मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोडेड है। वन शॉर्ट वीडियो है, जाकर के देख लेना। अब इस चैप्टर की बात करते हैं। देखो, ये चैप्टर अपने आप में बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन जो कुछ टर्म्स है उनको तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक सवाल पूछा है, लेट्स रिकॉल, मतलब ये तुम्हें पहले पढ़ाया जा चुका है, और पूछ रहा है कि मान लो कि तुम्हारे पास एक ग्लास का प्रिज्म है। क्या कह रहा है? एक ग्लास का प्रिज्म है। प्रिज्म मतलब कुछ इस तरीके का एक चीज होता है जिसको ग्लास प्रिज्म कहते हैं, और इसमें से अगर तुम सनलाइट को पास करते हो तो वो बाकी कलर्स में डिवाइड हो जाता है, राइट? वो एक कलर का बैंड बनाता है, तो वो कैसा होता है? क्या बोल रहे? देखो, When a sunrise passed through a glass prism, what are the colors in the band light seen on the other side of the prism? कौन से होते हैं? तुम्हें पता है, विवग्योर होते हैं, राइट? विवग्योर होते हैं। कौन सा? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके का एक बैंड ऑफ कलर मिलता है, ठीक है? इस फिनोमिनन को हम कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अभी आगे का सुनो क्या बोले हैं। यू हैव लर्न दैट लाइट हैज लाइट कम्पोज ऑफ सेवरल कलर्स। इससे हमें पता चलता है, हमने पढ़ा था कि लाइट जो होता है बहुत सारे कॉम्पोनेंट कलर से बना होता है। यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन द डस्ट पार्टिकल्स इन द बीम ऑफ सनलाइट एंटरिंग द हाउस थ्रू द स्मॉल विंडो। अगर तुम्हारे खिड़की से कहीं से अगर लाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, तो तुमने देखा होगा कि उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी तुम्हें दिखते हैं, राइट? वी स्विच ऑन अ हेड लैम्प और अ कार व्हेन ड्राइविंग थ्रू अस थिक फॉग। तुमने ये चीज तब भी देखा होगा जब तुम कभी ड्राइविंग कर रहे होगे या मम्मी पापा के साथ कभी गए होगे और आसपास बहुत ही कोहरा और लाइट चालू हुआ, तुम्हारी गाड़ी का हेडलाइट चालू हुआ, तब भी ऐसा दिखता है तुम्हें। यू माइट हैव सीन द बीम्स ऑफ दोज लैम्प। व्हाट डू यू रियली सी व्हेन वी सी अ बीम ऑफ लाइट? जब हम एक बीम ऑफ लाइट देखते हैं तो एक्चुअली में हम क्या देखते हैं, ये एक सवाल है। वी सी टाइनी डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द बीम। ये जवाब है। हम छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को देखते हैं, बीम में फ्लोट करते हैं। दैट इज वाई वी आर एबल टू सी द बीम ऑफ लाइट। देखो, ये जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स है ना बीम ऑफ लाइट में, यही कारण है कि जिसके कारण हम ना लाइट के बीम को देख पाते हैं, ठीक है? इन द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम स्पेस बाय द सैटेलाइट, द अर्थ अपीयर्स टू बी ब्लूइश। व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑल दिस इफेक्ट? अगर तुम सैटेलाइट से, मतलब ऊपर सैटेलाइट से अर्थ का जो फोटो लिया गया, उसमें जो हमारा अर्थ वो ब्लूइश दिखता है, जबकि हमारा अर्थ ब्लूइश नहीं है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, ये भी हमें जानना है। नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट का फैल जाना। क्या होता है? लाइट का स्कैटर हो जाना। मैं तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है तुम्हें। इसके लिए तुम्हें एक ग्लास बीकर चाहिए, जो कि ये है, ठीक है? एक डायोड लेजर चाहिए, ऐसा एक लेजर, और कह रहा है कि ये लेजर पॉइंटर होगा, और ये तुम जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे अपने टीचर के सुपरविजन में ही करोगे, ठीक है? तुम्हें थोड़ा सा मिल्क चाहिए या फिर मिल्क पाउडर चाहिए, एक चम्मच चाहिए, और एक ड्रॉपर चाहिए, ड्रॉपर मतलब गिराने के लिए। अब इसमें पानी ले लो तुम, ठीक है? और इस पानी में थोड़ा सा दूध डाल दो। दूध डालने से क्या होगा, थोड़ा सा टर्बिड हो जाएगा, टर्बिड इन द सेंस मिल्की दिखेगा, थोड़ा सा साफ पानी नहीं रह जाएगा, ठीक है? थोड़ा गंदा हो जाएगा। और इस पे से जब तुम लेजर का बीम पास करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है। नाउ देखो, अ बीम ऑफ लाइट इज सीन टू बी इन प्लेन वाटर बट क्लियरली सीन इन स्लाइटली टर्बिड वाटर। अ बीम ऑफ लाइट इज नॉट सीन इन प्लेन वाटर। अगर तुम एक बीम ऑफ लाइट इस तरीके से पास कर रहे हो यहाँ से, ठीक है, तो वो तुम्हें प्लेन वाटर में नहीं दिखेगा, लेकिन जो टर्बिड वाटर जिसमें तुमने थोड़ा सा दूध मिला दिया उसमें तुम्हें क्लियरली दिखेगा। द लाइट रे हिट द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द मिल्क एंड गेट स्कैटर्ड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो लाइट रेज आ रहे हैं इस लेजर से, वो तुमने इसमें दूध डाला, थोड़ा सा दूध डाला, तो उसमें दूध के पार्टिकल्स मिल गए। अब उस पार्टिकल्स पे जैसी लाइट के रे टकराते हैं तो वो क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, ठीक है? गेट स्कैटर्ड इफ दिस स्कैटर्ड रे एंटर आर आईज वी परसीव द लाइट। और यही स्कैटर्ड रे जब हमारे आंख में एंटर करते हैं तो हमें लगता है कि हमने लाइट को देख लिया। मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब यह है कि लाइट हमको डायरेक्टली नहीं दिखता, लाइट का रे जब किसी पार्टिकल्स पे गिरता है तो वो स्प्लिट हो जाता है। मान लो कि एक पार्टिकल है, यहाँ से एक लाइट रे आया, तो ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा, और यही स्प्लिट होने के बाद ये हमारे आंखों को एंटर होता है, तो हम क्या कहते हैं, हम परसीव करते हैं लाइट को, हमें लगता है कि हमने लाइट को देख लिया। आसान है? इस चैप्टर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ही एक्सपेरिमेंट हैं, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही सारी चीजें बोली है कि इंस्टेड ऑफ मिल्क, दूध की जगह तुम क्या करो, मिक्स सॉल्ट, सुगर, डिटर्जेंट पाउडर इन द सेपरेट बीकर ऑफ वाटर एंड ऑब्जर्व वेदर द लेजर बीम इज सीन इन देम एंड नॉट। मतलब इन सारी चीजों को डाल के देखो कि उसमें लेजर बीम दिखता है नहीं दिखता है। देखो,
अभी यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा बोला है, देखो क्या बोला है, व्हेन द सन राइजेस आर सराउंडिंग अपीयर्स इल्यूमिनेटेड, जब सन उगता है, जब सूरज राइज होता है, सनराइज होता है, तो आपको आसपास क्या दिखता है, ऐसा दिखता है कि लाइट आ रही है, ठीक है, द एंटायर स्काई अपीयर्स ब्राइट, सारा का सारा स्काई तुम्हें ब्राइट दिखता है, दिस हैपेंस बिकॉज द डस्ट एंड अदर टाइनी पार्टिकल्स इन द एयर, ये क्यों होता है तुम्हें इतना ब्राइट क्यों लगता है, क्योंकि जो सूरज की रोशनी आ रही है वो स्काई में बहुत सारा डस्ट है, एटमोसफेयर में कई सारे गैस वगैरह है, उनके पार्टिकल्स है, उससे टकरा के स्कैटर्ड हो जाता है, समझ गए, ठीक है, दिस इज स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाई टाइनी पार्टिकल्स ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, हैड देयर बीन नो एटमोसफेयर, हैड देयर बीन नो एटमोसफेयर द स्काई वुड बी अपियर डार्क ड्यूरिंग द डे एंड ऑफकोर्स द सन वुड बी डायरेक्टली सीन, अगर मान लो कि यहाँ पे कोई एटमोसफेयर ही नहीं होता, इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई एटमोसफेयर नहीं होता, कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते, ठीक है, तो लाइट का रे स्कैटर नहीं होता, दिन में भी हमें अंधेरा ही दिखता और हमें डायरेक्टली ऐसा सूरज एक बल्ब की तरह दिखता, ऐसा ब्राइट, बस समझे, मतलब हम लाइट को नहीं देख पाते सिंपली, दिस हैज बीन वेरीफाइड बाय द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द रॉकेट्स एंड सैटेलाइट विच गो आउट ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, और ये जो यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं इसको वेरीफाई किया गया है, जो रॉकेट्स वगैरह जो जाते हैं स्पेस में जहाँ पे कोई भी एटमोसफेयर नहीं होता, ठीक है, अब देखो तुम्हें यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में देखो क्या बोला है कि एक टेबल लैंप लो तुम, इस तरीके का टेबल लैंप लो, उसके ऊपर एक ब्लैक पेपर चिपका दो, उसमें एक छोटा सा होल करो, यहाँ पे एक क्या बोला है तुम्हें, और एक मिल्की बल्ब लेना है, एलईडी से काम नहीं चलेगा, एलईडी विल नॉट डू, एक मिल्की बल्ब लेना है जिससे तुम्हारा थोड़ा सा बल्ब व्हाइट वाला बल्ब चाहिए, एलईडी नहीं चाहिए, ठीक है, एक थिक ब्लैक पेपर जो यहाँ पे लगाया देख लो, और बोला है उसके बाद स्टिकिंग टेप उसको चिपकाने के लिए बेसिकली, और पैकिंग नीडल, नीडल क्यों, इसके अंदर एक छोटा सा होल करना है, इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा नीडल चाहिए, ठीक है, और 100 से 200 ml ग्लास में बीकर में पानी चाहिए तुम्हें, ठीक है, और मिल्क ले लो उसमें, अब क्या लेना है इसमें, थोड़ा सा दूध डाल देना है, ठीक है, और ड्रॉपर वगैरह लेकर के चम्मच से मिलाना है, अब क्या होगा यहाँ से, देखो ध्यान से ये सारा प्रोसीजर वही देख बोला है कि ये सब मिलाने का जो मैंने तुम्हें बता दिया, तो एक बार फिर से सुनो क्या है, एक ये लिया है टेबल लैंप लिया है, टेबल लैंप लेने के बाद एक ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे क्या किया है एक होल किया है छोटा सा नीडल से, और यहाँ पे पानी का एक बीकर है 200 to 300 ml का या फिर 100 ml का, उसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे, ठीक है, क्यों दूध डालेंगे, टर्बिट करने के लिए, और यहाँ से मैं इसको देखूंगा 90 डिग्री पे से, क्या बोला है कि 90 डिग्री से जब तुम देखोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क मे बी एडेड टू द वॉटर टू मेक टर्बिट, अ ब्लू टिंट इज सीन व्हेन ऑब्जर्व अलोंग द 90 डिग्री एंगल, जब तुम इसको 90 डिग्री एंगल से यहाँ से देखोगे तो तुम्हें थोड़ा सा ब्लूइश दिखेगा, कैसा दिखेगा, थोड़ा सा ब्लूइश दिखेगा, ठीक है, बिकॉज द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड, ऐसा क्यों होता है तुम्हें, क्योंकि ब्लू लाइट स्कैटर्ड होता है, ठीक है, दिस इज द स्कैटर्ड ब्लू लाइट, यहाँ से जो लाइट आ रहा है तुम्हारा, यहाँ से इससे जो थोड़ा सा लाइट आ रहा है, यहाँ से ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो रहा है व्हाइट में से, तुम्हें पता है व्हाइट कलर के अंदर बहुत सारे लाइट होते हैं, हमने ऊपर सबसे पहले ही चैप्टर से स्टार्ट किया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड, और रेड येल्लो लाइट इज सीन फ्रॉम द फ्रंट एंड होल अपियर्स रेडिश, अगर तुम सामने से देखोगे तो तुम्हें एक हल्का सा रेडिश लाइट दिखेगा, ठीक है, और ये जो होल है वो तुम्हें रेडिश कलर का दिखेगा, लाल कलर का लाइट दिखेगा तुम्हें, रेड येल्लो लाइट दिखेगा, और वो जो होल है वो रेड कलर का दिखेगा, तो इससे हमें समझ में क्या आता है, ये एक तो डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट करना है कि लाइट जब स्कैटर्ड होते हैं तो अलग अलग कलर भी दिख सकते हैं, उसके कॉम्पोनेंट कलर में भी वो डिवाइड हो सकते हैं, मतलब स्कैटरिंग और डिस्पर्जन साथ में हो रहा है सिंपली, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इसी बात का जवाब दिया है कि जो हमारा स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है, सुबह के समय में सन रेड क्यों दिखता है और शाम के समय में ऑरेंजिश रेड क्यों दिखता है, समझ रहे हो, यही सारा सब आप जानने के लिए हमने वो एक्सपेरिमेंट किया था और हमें समझ में आ गया दिस इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, या देखो सनलाइट इज स्कैटर्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर, सनलाइट स्कैटर्ड होता है इन सारी चीजों के कारण, द ब्लू कलर ऑफ द सनलाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट, जो ब्लू कलर होता है सनलाइट से, सनलाइट जो आ रही है उसमें से जो ब्लू कलर है वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, इसीलिए हमें क्या दिखता है स्काई दिखता है ब्लू कलर का, देखो सनलाइट रिचेस अस थ्रू द लेयर ऑफ एटमोसफेयर, सनलाइट जो हमसे आ रहा है बहुत सारे लेयर है एटमोसफेयर के उससे आ रहा है, तो सनसेट के समय में द लाइट रिचिंग अस ट्रेवल्स अ ग्रेटर डिस्टेंस थ्रू द एटमोसफेयर, तो सनसेट के समय में जब सूरज डूब रहा होता है, ठीक है, हमारी पृथ्वी से गोल घूम रही होती है, उस समय में सनलाइट को बहुत ज्यादा दूर से ट्रेवल करना पड़ता है, एज अ रिजल्ट येल्लो एंड रेड येल्लो लाइट रीचेस अस डायरेक्टली, इसके कारण रेड और येल्लो लाइट हमारे पास डायरेक्टली आ जाता है, एंड द सन अपियर्स रेड, रेड लाइट इज स्कैटर्ड लेस देन द ब्लू लाइट, रेड लाइट जो होता है वो ब्लू लाइट से कम स्कैटर्ड, सिंपल, तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि
ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, बहुत सारे गैस है हमारे एनवायरमेंट में, हमारे एटमोसफेयर में, इसके कारण क्या होता है, जो लाइट का रेज आता है वो क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है, ब्लू सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, इसलिए हमें स्काई ब्लू दिखता है। और सनसेट के समय में सनलाइट जो होता है बहुत दूर से आता है और हमारे एटमोसफेयर में बहुत सारे लेयर है, इसके लिए क्या होता है, रेड येलो लाइट स्कैटर्ड होता है और हमें जो हमारा सन है वो थोड़ा सा रेडिश येलो दिखता है, येलोइश रेड दिखता है, सिंपल। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अभी तुम्हें शैडो के बारे में पढ़ना है, ठीक है? देखो शैडो मतलब क्या होता है, परछाई, और आप हमें जानना है कि वो कैसे फॉर्म होगा। मैं तुम्हें ज्यादा रीड वीड करके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट समझाते जाता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कार्डबोर्ड लिया है और उस कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल कर दिया है, ठीक है? यहाँ पे हम एक कैंडल ले सकते हैं या फिर एक टॉर्च ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे टॉर्च लिया, तुम कैंडल या टॉर्च कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक बॉल को लटका दिया गया और यहाँ पे एक कार्डबोर्ड रख दिया गया सिंपली। अभी डार्क रूम में किया जा रहा है ये एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे जब ये कैंडल को जलाया जाएगा तो इस कैंडल से एक लाइट आएगा, ठीक है? और ये छोटे से ओ पॉइंट से आएगा, इसके लिए इसको पॉइंट सोर्स बोलते हैं। ये लाइट जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है, पॉइंट सोर्स से आ रहा है। ये बल्ब के ऊपर लाइट गिरेगा तो इमेजिन करो कि ये ओ और पी, ठीक है? ये ओ और पी का जो ये रे ऑफ लाइट है ये ऐसे इस तरह टकरा करके यहाँ पे जाएगा, ठीक है? और सिमिलरली ओ और क्यू टकरा के ऐसे जाएगा, मतलब ये बॉल का जो शेडो है वो यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है? अब ये जो शेडो फॉर्म हो रहा है वो डार्क है, डार्क जो शेडो होता है, ठीक है? यहाँ पे देखो जो डार्क पार्ट होता है शेडो का उसको क्या कहते हैं, उम्ब्रा कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, किधर तो लिखा है, हाँ, डार्क शेडो और उम्ब्रा, इसको क्या कहते हैं, डार्क शेडो और उम्ब्रा। जो शेडो का डार्क वाला पार्ट होता है उसको उम्ब्रा कहते हैं। वो कैसे फॉर्म होता है, पॉइंट सोर्स से फॉर्म होता है। किसके कारण फॉर्म होता है, पॉइंट सोर्स के कारण फॉर्म होता है। अब देखो मान लो कि यहाँ पे जो एक कार्डबोर्ड है तुम्हारा जिसमें तुमने छोटा सा होल किया उसको हटा दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे कार्डबोर्ड था छोटा सा होल वाला उसको हटा दिया, अब क्या होगा, पूरा का पूरा रे ऑफ लाइट आएगा, बहुत सारे रे ऑफ लाइट आएंगे, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे रे ऑफ लाइट आ रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे तुमको जो शेडो मिलेगा उसमें एक तुम्हें लाइट वाला पार्ट दिखेगा और एक तुम्हें कैसा मिलेगा, डार्क वाला पार्ट मिलेगा। जो लाइट वाला पार्ट है उसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा, ठीक है? जो लाइट वाला पार्ट है, जो फेंट है, उसको क्या बोलते हैं, पेनुम्ब्रा कहते हैं, और जो डार्क वाला पार्ट है उसको तो उम्ब्रा ही कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारा लाइट आ रहा है, राइट? पॉइंट सोर्स नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, समझ में आया? अब यहाँ पे चारों तरफ लाइट आ रहा है इसलिए इतना ऐसा हो रहा है, सिंपल। और यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट पे लाइट आ तो रहा है, ठीक है, इस वाले पार्ट पे लाइट आ रहा है, लेकिन ये बॉल एक ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है जिसके कारण ये रे ऑफ लाइट आगे नहीं जा पा रहा है। बस यही दो रे ऑफ लाइट जा रहे हैं जो डार्क शेडो बना रहा है उम्ब्रा, और यहाँ पे एक्सटेंडेड सोर्स से जो बन रहा है उसको बोलते हैं पिनुम्ब्रा, सिंपल, वही लिखा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तुम इस बॉल को थोड़ा दूर 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 लेके जाओ तो ये छोटा होगा, कभी ये बड़ा होगा। जैसे देखो ना, तुम अगर शैडो के साथ किसी भी चीज को ऐसा एडजस्ट करते हो तो शैडो बड़ा और छोटा होता है, बस यहाँ पे वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है, सिंपल एकदम। अब बात करते हैं इलिप्स, इक्लिप्स की, ठीक है? अब किसकी बात करने वाले हैं, इक्लिप्स की, जो तुम बोलते हो ना चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो उसके बारे में बात करते हैं। ये भी तुम्हें अगर शेडो वाला पार्ट समझ में आ गया तो तुम आसानी से समझ लोगे। देखो इक्लिप्स क्या होता है, द मून रिवॉल्व्स अबाउट द अर्थ एंड द अर्थ अलोंग द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस ऑर्बिट ऑफ रिवॉल्यूशन आर देयर ऑर्बिट्स ऑफ रिवॉल्यूशन आर डिफरेंट व्हेन द सन मून एंड द अर्थ कम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इक्लिप्स इज सेड टू बी टेकन प्लेस। मतलब मैं समझाता हूँ तुम्हें सिंपल, देखो ऐसा समझो कि ये तुम्हारा सन है, ये तुम्हारा अर्थ है और यहाँ पे तुम्हारा मून है। अब ये जो अर्थ है, ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे गोल गोल घूमता है और ये जो मून है इसके बगल में ऐसे घूमता है। आर यू गेटिंग इट? अर्थ जो है वो सन के बगल में घूम रहा है, ठीक है, मून जो है वो अर्थ के बगल में घूम रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं अर्थ और मून दोनों मिलकर के सन के बगल में घूम रहे हैं, बिल्कुल ऐसे साइड साइड में घूम रहे हो लोग, राइट, आजू बाजू में घूम रहे हैं ऐसे बगल, मतलब क्या बोलेंगे, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है। नाउ अभी समझो कि पहला वाला है सोलर इक्लिप्स, ठीक है, हमें समझना है सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जो सन है, ठीक है, और तुम्हारा अर्थ है, उसके बीच में तुम्हारा मून आ गया। मतलब मून का जो शेडो है वो कहाँ पे गिरेगा, अर्थ के ऊपर गिरेगा, इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। अब ये दो टाइप का हो सकता है, एक ये पार्शियल हो सकता है, एक फुल हो सकता है। मतलब अगर मून के ऊपर का पूरा शेडो यहाँ पे ऐसे गिर रहा है तो इसको बोलेंगे फुल सोलर इक्लिप्स, अगर थोड़ा सा मून का शेडो गिर रहा है तो इसको बोलेंगे पार्शियल, सिंपल। अब इसी तरीके से मान लो सन और मून के बीच में अर्थ आ गया घूमते घूमते, ठीक है, पहले मून आया था अभी अर्थ है, तो इसको बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। क्या बोलते हैं, लूनर, लूनर मतलब मून, चंद्र ग्रहण, समझ रहे हो, सूर्य ग्रहण, समझ में आया? अब मुझे ये पता है इसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं नहीं बोलते, इसको पक्का चंद्र ग्रहण कहेंगे, ठीक है? तो ना ये क्या है, लूनर इक्लिप्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थ
का शैडो पड़ रहा है मून के ऊपर तो मून डार्क दिखेगा तुम्हें। अब इसमें भी दो टाइप हो सकता है, पार्शियल और फुल। अगर पूरा का पूरा अर्थ का शैडो अगर मून के ऊपर गिर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, फुल लूनर एक्लिप्स, और अगर थोड़ा सा गिर रहा है तो उसको बोलेंगे पार्शियल। नाउ अभी एक कमाल की बात यह है कि ये कब होता है, अ सोलर इक्लिप्स नेवर वॉच्ड विद नेक। हाँ ये बताता हूँ मैं तुम्हें, ऐसे मैं पूरा रीड करके बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो। तो देखो, ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, अ शैडो ऑफ द मून इज कास्ट ऑन द अर्थ एंड द सन कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द पार्ट ऑफ द शैडो, दिस इज कॉल्ड अ सोलर इक्लिप्स। अ सोलर इक्लिप्स इज सीन ओनली ऑन अ न्यू मून डे। सोलर इक्लिप्स तुम्हें कब दिखता है, न्यू मून डे को दिखता है खाली, यही मुझे बताना था यहाँ पे, ठीक है। सोलर इक्लिप्स तुम्हें न्यू मून डे को दिखता है, मतलब न्यू मून डे मतलब जब नया चांद आता है, ठीक है, मतलब नया चांद नहीं, वही गोल गोल घूमते रहता है, तुम्हें पता है। द सोलर इक्लिप्स मे बी आइदर पार्शियल और टोटल, ये तुम्हें बताया मैंने। समटाइम्स द सोलर डिस्क इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द मून, दिस इज कॉल्ड टोटल सोलर इक्लिप्स, ये भी तुम्हें बताया मैंने। व्हेन द टोटल सोलर इक्लिप्स इज व्हेन द सोलर डिस्क इज नॉट कवर्ड फुल्ली देन इट इज कॉल्ड एज पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ये भी तुम्हें मैंने बताया, ठीक है। अब देखो, जब सोलर इक्लिप्स हो रहा होता है तो अल्ट्रा वायलेट रे, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं, वो अर्थ के ऊपर आते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि सोलर इक्लिप्स के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, या फिर खाना बना के नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो खराब हो जाता है, ठीक। कभी भी सोलर इक्लिप्स को अपने खुली आंखों से मत देखो, खुली आंखों से, नेकेड आइज से मत देखो। हमेशा तुम्हें एक स्पेशल टाइप ऑफ गॉगल्स यूज करना चाहिए, वरना तुम्हारे आंख में यूवी रह जाएगा, तुम्हारी आंख खराब हो जाएगी। अब देखो, यहाँ पे है लूनर इक्लिप्स के बारे में। अब लूनर इक्लिप्स कब होता है, जब अर्थ आ जाता है सन और मून के बीच में। तुम्हें यहाँ पे दिखाया मैंने क्या होता है, जब अर्थ आ जाता है सन और मून के बीच में, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लूनर इक्लिप्स, इसको लूनर इक्लिप्स कहते हैं। लूनर इक्लिप्स इज सीन ओनली ऑन अ फुल मून नाइट, ये कब होता है, फुल मून नाइट को होता है, फुल मून डे को होता है, मतलब नाइट होगा ना, ठीक है। इफ द होल मून कम्स इन द शेडो ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड एज टोटल लूनर इक्लिप्स, ये तुम्हें मैंने बताया, और पार्शियल लूनर इक्लिप्स के बारे में भी तुम्हें मैंने बताया, ठीक है। आप लूनर इक्लिप्स को देख सकते हो खुली आंखों से क्योंकि चांद के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, चांद के ऊपर ग्रहण, सिंपल है, एकदम आसान है। चलो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब है जीरो शेडो डे। अब जीरो शेडो डे वो वाला डे होता है जिस दिन बिल्कुल भी शेडो नहीं बनता, ठीक है, ये दोपहर के समय में होता है जब शेडो नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, सन हमारे ओवरहेड पे आ जाता है, मतलब सन हमारे हेड के पास आ जाता है। अब अगर कोई भी चीज एकदम ऊपर है तो उसका शेडो एकदम नीचे जाएगा सीधे, तो आपको शेडो दिखेगा ही नहीं, ठीक है, एकदम ऐसा नीचे शेडो जाएगा। तो शेडो कैसे देखो, तुम देखो एक लाइट के रे को मैं ऐसे रखूंगा तो शेडो पीछे पीछे होगा, लेकिन अगर लाइट के रे को मैं ऊपर, शेडो धीरे 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 छोटा होते होते खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जीरो शेडो डे। द डे ऑन विच द सन रीचेस एग्जैक्टली ओवर हेड इज कॉल्ड जीरो शेडो डे। वो दिन जब सन जो है एकदम हमारे सर के ऊपर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, जीरो शेडो डे। इस दिन आपका जो शेडो है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। दिस इवेंट कैन ओनली सीन इन द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैपिकॉन, यहाँ पे, इसी जगह पे देखा जा सकता है। दिस इवेंट इन द समर इज ऑन डिफरेंट डेज एंड डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इन दिस रीजन। ये समर के समय होता है, अलग अलग जगह पे होते रहता है इन्हीं रीजन्स पे, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट लोकेशन पे होते रहता है, आसान है। नाउ ये जो तुम्हारा इक्लिप्स है ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, ठीक है, इसके खिलाफ बहुत सारे सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, ठीक है, कनेक्टेड विद द इक्लिप्स इन द सोसाइटी। इट इज नेसेसरी टू एवरीवन टू मेक्स द एफर्ट्स टू गेट रिड ऑफ दिस सुपरस्टिशन बिलीव्स। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये जो तुम्हारा सुपरस्टिशन है ये एक, ये मतलब सुपरस्टिशन बोलो, ये जो इक्लिप्स है इसके ऊपर कई सारे सुपरस्टिशंस हैं, मतलब अंधविश्वास है, हमें इससे उभर के बाहर आना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए क्योंकि यार ये एक नेचुरल फिनोमिनन है एट द एंड, ठीक है। अब घूमेंगे तो कभी ना कभी तो बीच में आएंगे। तो आई होप कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। काफी छोटा सा चैप्टर था, मैंने भी काफी जल्दी खत्म कर दिया, 18 मिनट में चैप्टर खत्म कर दिया गया है। एंड नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी ये क्या है, ये साउंड, सॉरी, ठीक है, साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यह हमारा अगला चैप्टर है, इसको भी लेंगे, बहुत जल्दी ले लेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से इसको भी पूरा वन शॉट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद का तुम्हारा दो चैप्टर और बच जाता है, बहुत सिंपल सिंपल चैप्टर है ये वाला, है तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, फट से खत्म हो जाएगा। और लास्ट वाला जो तुम्हारा एक चैप्टर है इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार्स, ये भी काफी छोटा सा चैप्टर है, एकदम छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, फट से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स मेक लर्निंग इजी।